16 और 17 इन तीन दिन भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है। पूरे देश से लगभग 200 निजी विश्वविद्यालय, बाकी राजकीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इनके कुलाधिपतिगण, कुलपतिगण, कुल सचिवगण, संकाय प्रमुख, विभागाध्यक्ष, ऐसे व्यक्तित्व आएंगे और एक मंथन होगा, एक तय होगा कि कैसे शिक्षण संस्थाओं को और शिक्षा को औद्योगिक जगत से जोड़ा जाए, इनका कैसे विकास हो, देश के विकास में शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है वो हो, और संस्थागत विकास में शैक्षिक संस्थाओं के बीच में क्या तालमेल हो सकता है, इस पर चिंतन होगा। बड़े बड़े विद्वान अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। राष्ट्रीय विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण भूमिका कैसे हो सकती है, समग्र और स्थायी वृहद लक्ष्य का मार्ग तलाशने के लिए क्या भूमिका सबकी हो सकती है, शिक्षाविद अपने अपने व्याख्यानों से इसमें दिशा निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, एक दिशा तय होगी जिसको लखनऊ घोषणा कहा जाएगा और इसका अनुपालन हो, ऐसा विचार भी बनेगा और कराना चाहिए भी, उनको करना भी चाहिए सभी विश्वविद्यालयों। शासन अपनी भूमिका तय करेगा, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी, ये दोनों उपस्थित रहेंगे, उसमें बड़ी संख्या में शिक्षाविद होंगे। यह उद्देश्य है और यह 3 दिन का कार्य योजना है। जैसा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अध्याय जी ने बताया कि दिस इज अ काइंड ऑफ मेडन एंड मैग्नम इनिशिएटिव बाय विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान। उन्होंने इस तरह का एक आयोजन लास्ट ईयर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में किया था, तो उसके अनुभवों के आधार पर और डायनामिक्स हायर एजुकेशन की बहुत तेजी से बदल रही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब विषय ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन अपने उद्देश्यों को पूरा करे, बाधाएं कहाँ आ रही हैं वो गैप आइडेंटिफाई हो, इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास हो सके, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन सिर्फ वर्ल्ड क्लास हों और बहुत सारे महाविद्यालय पीछे छूट जाएं ये भी ना हो, इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिका है। तो इसके लिए कुछ विषय आइडेंटिफाई किए गए और वो विषय आज से लेकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं 2047 की, तब तक हमारी शिक्षा और हमारे उच्च शिक्षण संस्थान कहाँ जा सकते हैं वहां तक, ये कंप्लीट एक जर्नी क्या हो सकती है, जर्नी के इश्यूज क्या हो सकते हैं, उन इश्यूज को एड्रेस करने का मैकेनिज्म क्या हो सकता है और उसमें सबकी भूमिका क्या क्या है और उस भूमिका में किस प्रकार के एक सहयोग का इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है और सब एक दूसरे के साथ मिलकर दीप से दीप जलाए, हाथ से हाथ मिलाए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उच्च शिक्षा अपना रोल क्रिएटिवली एक्टिवली प्ले कर सके, इसके लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसा ऑनरेबल मंत्री जी ने बताया कि बड़ी संख्या में चांसलर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चाहते चांसलर्स, इवन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के चांसलर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे वाइस चांसलर्स, नेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से करने वाले प्रभावी संस्थानों के नेतृत्वकर्ता, दैट इंक्लूड चेयरमैन ऑफ UGC, चेयरमैन ऑफ MBA, डायरेक्टर ऑफ NAC, चेयरमैन ऑफ AICT, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के जितने भी प्रमुख संस्थान हैं जो उच्च शिक्षण संस्थान को इफेक्ट करते हैं, उसकी पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, उसके आउटकम को इफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे लोगों का एक साथ एक मंच पर ये 2.5 दिनों के कार्यक्रम में उपस्थित होना है।
वो सब लोग एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज होगा बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो रहा है, उनके अनुभवों से कैसे सीख सकते हैं. एक्रेडिटेशन या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में किस तरह के रिफाइनमेंट की आवश्यकता महसूस की जा रही है. मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन किस तरह से अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं और वो अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे. एट द सेम टाइम मल्टी डिसिप्लिनरिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नीड ऑफ द आवर एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गली प्रमोटेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो ये सभी संस्थाएं किस प्रकार से कोहेसिवली काम कर सकती हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, उसमें उच्च शिक्षा अपनी प्रखर प्रमुख प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सके. तो इन तमाम विषयों को लेकर जैसा मंत्री जी ने बताया उसी स्वरूप में 15 फरवरी को शाम 6 बजे ऑनरेबल गवर्नर मैडम और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब प्लस MOS एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री राजकुमार रंजन कुमार जी, हमारे ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब और बाकी बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे. सुबह 16 तारीख को सुबह एक सेशन है जिसमें UGC चेयरमैन और MBA चेयरमैन और एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है कि बहुत सारी एजेंसीज अलग अलग तरीके से डेटा करती हैं. बच्चों को बहुत बार बहुत सारी जगहों पे डेटा फिल करना पड़ता है. सेम इज द केस विथ इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, उसमें डेटा मिसमैच भी होता है जो बार बार प्रश्न के घेरे में भी आता है. तो एक गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई है, वो एक यूनिटरी यूनिफाइड बॉडी है जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू एक डेटा हर जगह फेच किया जा सकता है. उसको चेयर करते हैं हमारे अनिल शास्त्र बुद्रे साहब जो NBA के चेयरमैन भी हैं प्लस भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष पद्मश्री चामू शास्त्री जी, इन तीन लोगों का उद्बोधन है. उसके बाद सभी वाइस चांसलर्स के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे कन्फ्रंट कर रहा होता है संस्था और पॉलिसी मेकर्स उसको बना रहा होता है कहीं. तो ये जो एक समन्वय से बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं और एड्रेस होते हैं. तो इस तरह की एक बड़ी बैठक उस है. इसके अलावा बहुत सारे सेशंस हैं, डिटेल्स आपको तो जैसे जैसे प्रोग्राम हमारा बढ़ता जाएगा वो हम लोग ऑफर करते जाएंगे. 16 तारीख को यह है, फिर 17 तारीख को भी एक सेशन है जिसमें इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप की बात है, जिसमें कई सारे MOUs भी अलग अलग संस्थान वहीं पे करेंगे जो ऑल्सो एक्ट एज अ टेक अवे. तो इस तरह से बहुत सारे सेशंस प्लान्ड हैं. डिटेल्स उन सेशन के, हर सेशन में कौन कौन स्पीकर हैं, किस दिन कौन बोल रहा है, कितने बजे बोल रहा है, ये सारे डिटेल्स आपको समय समय से दिए जाते रहेंगे. तो माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसको एक वाइडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, स्पेशली इसके आउटकम को वाइडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे ताकि और तमाम लोग जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं हो पा रहे हैं उन तक भी इसका आउटकम जाए. और जो आखिरी उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करते हुए 2047 तक एक ऐसे भारत की संरचना कर सकें जिसमें हम उस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करें और उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थान अपनी भूमिका का प्रभावी निर्माण कर सकें. थैंक यू. हमारा विभाग और यूनिवर्सिटी हमारे विभाग से अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं. विद्या भारती इसको पूरा सुपरवाइज कर रहा है और विद्या भारती ही इसके संरक्षण में ही पूरा कार्यक्रम होगा, पूरे कॉन्क्लेव होगा, समागम होगा. संगठन और विश्वविद्यालय, बाकी जिस सरकार से सहयोग मांगेंगे तो सरकार तैयार है, तो मांगेंगे तो मिल जाए. सरकार और समाज जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना तब परिवर्तन तेजी से आता है. तो अभी समाज ही खड़ा दिख रहा है हमको, सरकार का तो सहयोग. हाँ,
हम लोग तो अपना बिल्कुल कर रहे हैं, कई सारे मूवीज दिखेंगे, बाकी हम लोगों ने फ्लोट किया है ये, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के हेड्स आ रहे हैं, तो कई सारे तो ये भी हो सकता है जो 15 को आए और उनको लगे कि हम इस विषय में एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, 16 को लगे दिन भर के डिस्कशन में उसमें लगे, तो 17 को हमारे यहाँ से तो 7 मुझे लगता है फाइनल होगा। जी जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन है, संस्थागत है, इंडिविजुअल है। तो संस्थागत मैंने एक एक दो 2000 में संस्थागत होता है, इसमें एक कुमानी कुलपति उनके साथ दो फैकल्टी ऐसे आने वाले हैं, इसमें लगभग 500 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑल इंडिया लेवल पे, अभी तक लगभग 125 संस्थागत हो चुका है और 475 इंडिविजुअल हो चुका है, जिस पूरे देश के लोग हैं और देश के भौगोलिक क्षेत्र से लगभग सभी लोग हैं। मैंने ये कहने के लखनऊ यूपी फोकस किया गया है, देश के सभी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, मणिपुर हो, वहाँ के लोग हैं, गुवाहाटी के लोग भी हैं, पश्चिम तमिलनाडु के लोग भी हैं, इसमें J&K के भी लोग हैं, पश्चिम से हैं, भौगोलिक क्षेत्र से सभी विश्वविद्यालय, सभी राज्य के विश्वविद्यालय का प्रेजेंटेशन होगा। अभी तक जो हमको सूचनाएं मिली है सभी राज्यों से विश्वमान्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलपतिगण इसमें आने वाले हैं, यहाँ तक कई फोन IIIT के, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट से लोग आने वाले हैं, फोन आया है लोग आने वाले हैं, यूपी के जहाँ तक सूचना है, आप जानते हैं कि यूपी के लगभग सभी विश्वविद्यालय के, शासकीय विश्वविद्यालय के, निजी विश्वविद्यालय कुलपति की सहभागिता तय हो गई, सबका रजिस्ट्रेशन यहाँ लगभग हो चुका है, सभी लोग यहाँ आने वाले हैं। हम लोग विद्या भारती उच्च शिक्षा जो है यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए काम देखती है पूरे देश में, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय हो या शासकीय विश्वविद्यालय, दोनों के बीच के संबंध के बेसिस पे कुछ नए निकल के आएंगे, विभिन्न फैकल्टीज जो विद्वान यहाँ पे आएंगे, माननीय कुलपति जी बैठे हुए हैं, काफी इनका इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनके बीच में लखनऊ डिक्लेरेशन कमेटी बनी है, माननीय कुलपति महोदय उसमें है, तो 30 लोगों की कमेटी बनी हुई है, आप उसमें मुख्य भूमिका आपकी है उसमें, तो उसमें लखनऊ डिक्लेरेशन के माध्यम से पूरे देश में 200 विश्वविद्यालय चिन्हित किए जाएंगे, जो 200 विश्वविद्यालय में लखनऊ डिक्लेरेशन के बिंदु लागू किए जाएं और उन फॉलो होगा, वो शासन लेवल पे, उत्तर प्रदेश में निवेदन होगा कि उत्तर प्रदेश शासन लेवल पे और संगठन लेवल पे भी उसका फॉलो किया जाएगा, जो यहाँ से बिंदु तय किए जाएंगे वहां पे विश्वविद्यालय लागू हो, क्योंकि मुख्य लक्ष्य तो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास है, गुणवत्ता जो गुणवत्तायुक्त शिक्षण संस्थान होगी निश्चित रूप से जो बच्चे निकलेंगे वहां उनके अंदर उनका व्यक्तित्व का विकास होगा, वे अपने क्षेत्रों में अपनी भूमिका तय करेंगे, उनकी उनका भविष्य बनेगा, उस बच्चों के छात्रों के भविष्य के लिए, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे वह शासन हो, चाहे हम लोग संगठन काम करने वाले लोग हैं उसी लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मुख्य है कि हम लोग निजी विश्वविद्यालय, मुख्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी के बीच में समन्वय स्थापित हो, सबके बीच में डायलॉग हो, परिसंवाद हो, उनके माध्यम से कुछ जो निकल के आएंगी उनके, क्योंकि NEP जो आई है वो सभी के लिए देखा जाए, दो फोकस है यहाँ पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए हम लोग के जीवन में, छात्रों के जीवन में उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, चाहे वो पंचकोश के माध्यम से किया जाए अथवा अन्य विधा जो करिकुलम बन रहा है आप लोगों के माध्यम से, करिकुलम बन रहा है करिकुलम के माध्यम से, पेडागॉजी के माध्यम से उन बच्चों के व्यक्तित्व के विकास किया जाए, मुख्य लक्ष्य यही है। जब संस्थाएं यहाँ पे आएंगी अपने अनुभव यहाँ पे बांटेंगी, उनकी सहभागिता होगी तो नई चीज कुछ निकल के आएंगी और यहाँ से पूरे 200 विश्वविद्यालयों में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों से मैं निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्री जी से, माननीय कुलपति महोदय से, हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति इसमें सबसे आगे है NEP लागू करने में, आप लोग जानते हैं यहाँ का भी लगभग NEP के जितने, चाहे करिकुलम की बात की जाए उनके, चाहे उनके बच्चों के लिए मल्टी डिसेबिलिटी की बात की जाए वहाँ पे, चाहे क्रेडिट पॉइंट की बात की जाए, आपने पहले लागू करने की कोशिश की है, काफी हद तक सफल भी आप हुए हैं, आप इंटर डिपार्टमेंटल भी आपने यहाँ कहीं कई राज्यों में भी इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स नहीं है, यहाँ PG में इंटर डिपार्टमेंटल भी है आपका, यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट का आप जानते हैं यहाँ पे, तो कई काफी लीड किए हुए लखनऊ विश्वविद्यालय, इसलिए तय किया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम किया गया, हम लोगों ने तय किया कि कहाँ किया जाए, तो ऐसा तय किया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किया जाए, कि काफी तक NEP यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है और यहाँ पे नैक, ये पहला यूपी में पाने वाला नैक A++ है, तो निश्चित रूप से इनके अनुभव होंगे, उनकी गुणवत्ता होगी, इन गुणवत्ताओं को निश्चित आपस में लोग बांटेंगे, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा यहाँ का, ये उत्तर प्रदेश में होने वाला दूसरा ऐसा, पहले हुआ था इंदौर में जैसे माननीय कुलपति महोदय जी बताया, उसका दूसरा अनुभव यह है, उससे ये प्रयास होगा कि उससे बड़ा, उससे भव्य और दिव्य किया जाए और विश्वविद्यालयों के उन्नयन में, गुणवत्ता में हम लोग जो भी हो सकता है योगदान करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो अयोध्या तय नहीं किया गया क्योंकि वहाँ थोड़ा इशू है वहाँ की व्यवस्था लेकर के, जब तक वहाँ सहमति नहीं मिल जाएगी तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा।
वहाँ की व्यवस्था अनुशासन कहेगा, प्रशासन कहेगा, तभी कुछ हो सकता है। कुलपति जी कुछ नई घोषणाएं हो सकती है इसमें? अब शेष के लिए 15 तारीख की शाम को बस हम इतना बता रहे हैं, मंत्री जी के सामने कुछ निश्चित बड़ी घोषणा आप खुद ही करेंगे। नहीं नहीं तो मंत्री जी कर देंगे। इतना है कि अध्ययन, चिंतन, मनन और मंथन इनका काम है। जब मंथन करके कोई अमृत निकालेंगे तो वितरण में हम भी कुछ हाथ बता देंगे। नहीं सर, कुलपति जी हर किसी कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नया करते हैं, इस वजह से सवाल बनता है। नहीं, कुलपति जी ने तो एक बात भूल गए हमारे पांडे जी कहना कि यूजीसी में भी ग्रेड वन पहला विश्वविद्यालय है यूपी का जो यह है, और आज उत्तर प्रदेश में AA+ के जितने विश्वविद्यालय हैं पिछले 2 साल में जो हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में इतने नहीं है कहीं पर। एक ये स्थिति बढ़ते हुए शिक्षा की है प्रदेश में, जहाँ पहले सबसे खराब प्रदेश माना जाता था।